कोरोना हर वर्ग पर कहर बनकर टूट रहा है। आम जनता, शिक्षण संस्थान, व्यापारी हो या निजी बस ऑपरेटर, सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं। निजी बस चालकों का मानना है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तभी से वे लगातार घाटा सहन करते आ रहे हैं। अब वे और घाटा सहन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50% सवारियों के साथ चलने के आदेश दिए हैं और नियम की पालना न करने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है, इसलिए वे घाटे में बसें नहीं चलाना चाहते हैं। बस संचालकों ने बताया कि जिला में पहले ही सवारियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से 50% सवारियों का नियम बना दिया है। उन्होंने कहा कि वे अब और हानि अपने व्यवसाय में नहीं सह सकते, इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि टैक्स में राहत दी जाए, अन्यथा 3 मई से बसों को नहीं चलाया जाएगा। सर, इसमें सारे ट्रक बस ऑपरेटर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम 3 तारीख के बाद बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर कोई एक हफ्ते के अंदर हमारा कोई डिसीजन निकलता है इस बारे में, क्योंकि एक साल से लेकर बसों का SRT हम दे नहीं पा रहे हैं, ना टोकन टैक्स दे पा रहे हैं। सारी बसें इस टाइम मालिकों की हालत बड़ी नाजुक हैं और सारे यानी कि बसों जो 50% किया खाली बसें आ रही है बिल्कुल। इसमें कोई भी इस टाइम जो स्थिति है हमारे मतलब बसों की, हम चलाने में बिल्कुल असमर्थ हैं और हमारी इस टाइम जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। और आगे हम सरकार से यही आश्वासन चाहते हैं कि अगर हमारा कोई डिसीजन निकाले, नहीं तो बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं कि जिनको बसें खड़ी करनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए भी। हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि SRT माफ़ किया जाए और टोकन टैक्स माफ़ किया जाए, यही हमारी मांग है, मेन मांग यही है। एक ही मांग है सरकार से कि जो हमारा SRT है और टोकन है वो हमारा माफ़ किया जाए। और मतलब एक साल से ज़्यादा हो गया है कि जो हमारा SRT है हमारा पेंडिंग है, तो हमारी पहली मांग तो यही है कि सरकार से कि SRT हमारा माफ़ किया जाए। और 3 मई तक का टाइम दिया है हमने इसमें सरकार को सोचने के लिए कि हमारा SRT माफ़ होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम 3 तारीख के बाद बसें खड़ी कर देंगे। तो हमारे को तो बसें वैसे ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 50% में तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे को बसें चलाना। हमारी जब हमारी 100% कैपेसिटी थी बसों की, तब भी हमारे पास 50 से कम की एवरेज आ रही थी बसों में सवारियों की। मतलब वो बात ही नहीं है, पहले जैसी बात ही नहीं रही है मतलब काम में। सर, यही है, बसें जब से लॉकडाउन मतलब जब से लॉकडाउन बंद भी हुआ, खुला भी था, तब से बसें घाटे में ही है सब। 50% हो चाहे 100% हो, मतलब घाटे में ही है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये लगा लो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, कोई खर्चा नहीं पूरा है। मांग क्या है सरकार, तो कुछ भी नहीं दे रही सरकार ने, क्या देना है।